नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ स्मृति। से आगे बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। यह कलम आवश्यक और अति आवश्यक कार्य के लिए है। यह आपात स्थिति में स्वेच्छाधिकार से कार्य के लिए किया गया संविधान है। हालांकि गैर जरूरी कार्यों को मनमाने ढंग से मंजूरी देकर इस प्रावधान का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है और यह भ्रष्टाचार का सरल मार्ग बन गया है। इसका दुरुपयोग कर मनचाहे ठेकेदारों को काम दे दिया जाता है और खुलेआम भ्रष्टाचार होता है। कई बार जो काम नहीं किया गए हैं उसका भी कागज पत्र पेश कर सरकार को चूना लगाया जाता है। उल्लासनगर मनपा को 22 अक्टूबर 2018 से 28 मई 2019 के बीच 522 के तहत स्वीकृत 78 कार्यों की सूची प्राप्त हुई है और उस सूची में शुभम प्रथम एंड कंपनी, झांसी एंड कंपनी, लाल साई कंस्ट्रक्शन, एसएस एंटरप्राइजेस, साईनाथ कंस्ट्रक्शन, हिंदुस्तान एंटरप्राइजेस, जनकुश कंस्ट्रक्शन, श्री मां एम के एसएस, श्री गणेश एंड कंपनी, महादेव कॉन्ट्रैक्ट, वर ए एम रामचंदानी टेक कंपास, ओरियन कंस्ट्रक्शन, मां कंस्ट्रक्शन, गायत्री कंस्ट्रक्शन, कमलेश कुमार किसान, जय भारत कंस्ट्रक्शन, वेग मीजा रेहान में डीएम लालवानी का समावेश है। कुल मिलाकर 522 के तहत मनमाने ढंग से 7,94,595 रुपए के कार स्वीकृत किए गए। हालांकि इनमें से अधिकांश कार 522 की परिभाषा और मानदंड के अनुरूप नहीं है, फिर भी इसे कैसे स्वीकृत किया गया, यह सवाल जनता पूछ रही है। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।